क्योंकि मेरा बाइक जो बहुत चेन साउंड दे रहा है ना, आपको हम जिसे बताया था अभी ऐसे करके दिखाएगा। हाँ बढ़िया, साउंड नहीं दे रहा। सभी को मेरा दोस्त लोग, तो आज का मेरा ब्लॉग स्पेशली, मैंने ये बाइक को नहीं चलाया एक हफ्ता जैसे हो गया। तो अभी क्या है कि इसका चैन लॉक है ना, साउंड इसका ग्रक 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 बज रहा है, और ये विंटर का वजह से पानी वगैरह कीचड़ लगने से चैन जो खराब हो जाता है। करेज वाला बोलते हैं कि इसमें चैन को डायरेक्ट हाथ न्यू लगा लो बोल के ना, चैन स्पोकेट लगा लो, लेकिन क्या है कि इसमें आप लोग इतना खर्चा करने का जरूरत नहीं है, उसमें बस चैन लॉक चेंज करना है, 100 रुपया होगा नहीं तो 120 होगा, इसको चेंज करना है, साथ ही साथ चैन को वॉश करना है। तो आज मैं आप लोग को ये बताऊँगा, आप लोग इतना खर्चा मत करो ना, उसका जगह पे बस चैन लॉक 100 रुपये बस वो करो, इन्वेस्ट करो, उसके बाद फिर आप जितना लॉन्ग टाइम चला सकते हैं। तो बाइक को मैंने नहीं चलाया बहुत, मतलब एक हफ्ता रहने का वजह से पूरा गंदा होकर रखा है इसको। अभी चैन लॉक को चेंज करेगा, उसके बाद एक्चुअली हम होम टाउन जाने का मेरा प्लान था, लेकिन क्या है कि अभी चैन साउंड दे रहा है ना, फिर वहाँ पर कच्चा रास्ता ऑफ रोडिंग पर नहीं होगा, तो इसलिए अभी चैन इसको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर कल निकलना पड़ेगा। देख सकते हैं मेरे बाइक पर अभी पेट्रोल नहीं है, मैंने नहीं चलाया ना, राइडिंग नहीं किया, इसलिए पेट्रोल अभी ख़त्म होकर रखा है, अभी नहीं चला है, और इसलिए अभी ऐसे बाइक का हालत बहुत गंदा सा लग रहा है। मानना पड़ेगा ये तंदा सिंह का तंदा को, यहाँ पे सच में वो तंदा है, लेकिन इससे ज़्यादा तंदा कोलो रंग पे था, मैंने वहाँ में स्टे किया ना, वहाँ में बहुत तंदा था यार, जैसे कि आपको शकल को कोई पिंच कर रहे जैसे लगता है, और शकल पूरा लाल हो जाता है तंदा में। यहाँ से यहाँ आने के बाद अभी हमें नॉर्मली लग रहा है, इतना नॉर्मली है, मतलब ठीक ही है, इतना भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ का ट्रैफिक तो बहुत झमेला होती है, ये रास्ता बहुत ही चौथा हो गया, मार्केट तो बहुत अच्छा बना है इस पर यार। सच बताएगा ना, सब मुझे घूर के देख रहा है क्योंकि मैंने हेलमेट पे अपना मोबाइल को रखा है। यहाँ पे एक ग्रेज है, यहाँ पे बहुत अच्छा से गाड़ी बनाते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे बाइक बॉडी पर, मतलब जो चेन लॉक है यहाँ पे रखेगा बोल के। मैंने अक्सर यहाँ पे यह है पर, लेकिन वहाँ में सामान इतना नहीं मिलता, सामान को ला के यहाँ में बनाना पड़ता है ना, तो इसलिए हम नीचे ला कर जाके देखेगा विवेक विहार वाला। चैन लॉक मांग के देखते हैं, ये रोती कह रहा है। अच्छा दादा ठीक है ना दादा, ये मालिक कहाँ गया यहाँ पे, चैन लॉक लेना था होगा इसका, दे दो ना, मालिक तो नहीं है क्या भैया जो आएगा ना, तो देख सकते हैं ये भैया बहुत अच्छा से बाइक बनाता है, स्पेशली मेरा बाइक को बहुत अच्छा बनाता है। तो अभी शायद आप बिजी होता है ना अभी, पता नहीं 2 बज गया लग रहा है अभी तो, कितना बज के बंद करेगा आप, रात हो जाएगा ना। अच्छा ओ आप ये करो ना भैया, अभी आएगा क्या, नहीं आने सामान दे दो ना, हाँ हाँ निकल दो ना, हो जाएगा। ये ना दादा, दादा यहाँ देखिए तो मेरा व्यूअर्स लोग अभी यहाँ से हम चैन लॉक ले रहे हैं ना, तो चैन लॉक लेके अभी लगाएगा, क्योंकि मेरा बाइक जो बहुत चैन साउंड दे रहा है ना, आपको हम जिसे बताया था अभी ऐसे करके दिखाएगा। कैसे आप लोग ये देखिए, ये जो चैन लुक है ये दादा 180 का है ना, ये जो 180 220, हाँ, और मेरा जो 150 अभी जो है न्यू मॉडल वाला BS6 में ये लगता है, तो आप देख सकते हैं ये 50 रुपया, हम 100 रुपया सोचे तो 50 रुपया अभी इसको डालेगा वहाँ पे। अभी पिलर काम शुरू कर चुका है, और ये है मेरा हीरो जो कि अभी मेरा चैन को सफा करेगा। हीरो यहाँ देखिए तो एक बार, ये पूरा काला हो गया ना, इसका काला का वजह से और मामूर होता है इस पर, उसका बस चेंज जो बहुत साउंड देता है, कितना काला हो गया इसमें, इसको अभी पेट्रोल से वॉश करेगा। तो यहाँ से अभी पेट्रोल निकल रहा है ना, पेट्रोल निकल के अब चेन वॉश करवाएगा यहाँ से। अभी देखिए तो चेन को आसान सफा करना है, इतना मामूर है ना पूरा गायब हो जाएगा, काला काला वाला इंजन ऑयल से जो काला होता है ना, इसका पूरा गायब हो जाएगा, इसका बाद चेंज पूरा फ्री होगा बाद में। हीरो यहाँ पे क्या क्या बाइक स्कूटी का बनाते हैं बता दीजिए थोड़ा सा। स्कूटी बजाज पल्सर, डिस्कवर, और लेमर स्कूटी, रे, यामा, फेसिनो। को आपको बताया था, नॉलेज बता रहे हैं, साउंड बजे तो आप उसको चैन स्प्रोकेट को चेंज मत करो, लेकिन उसका जगह पे आप 100 रुपया या 50 रुपया इन्वेस्ट करके, आपको चैन लॉक को चेंज करके इस तरह अच्छा सा, मतलब आप एडवांटेज ले सकते हैं, नहीं तो आपका 2000-3000 ऐसे आराम से चला जाएगा। चैन से पेट्रोल से अच्छे से वॉश करने दिए, एकदम नीट एंड क्लीन है अभी। अभी डलवा रहे इसका,
कि अभी चेन को चेन लॉक को डाल दिया है और वो गियर का गियर शिफ्टिंग मतलब अभी से फिक्स कर रहा है। उसके बाद क्या है कि थोड़ा बात को अभी हल्का सा इसमें तेल डालेगा, मतलब चेन ऑयल डालेगा ना थोड़ा सा हल्का सा, एंड बहुत फ्री हो गया इसमें देख सकते हैं। फाइनली मैंने चेन लॉक को डाल दिया, चेन लॉक को अभी डलवा लिया, देखो अभी पूरा इसमें न्यू लग रहा है देखो, और देखो अभी ये पूरा फ्री होगा ना चलने के लिए। तो इस तरह करके आप इसका चेन लॉक को मतलब वो कर सकते हैं, आप सुधरता मतलब इसको टी करा सकते हैं और पैसा ज़्यादा नहीं फेंकना है इसके जगह पे। आपको बस 100 रुपया या 200 रुपया मेकिंग चार्ज वगैरह बस दे दो ना, उसके बाद तो आप फ्री से चला सकते हैं। मैंने अपना बाइक को मॉडिफाई किया था इसका, ये देखो आप मदगर देख रहे हो, ऑनलाइन से मैंने 1000 रुपया ऑर्डर किया था, उसके बाद इसको कटवाया है, फिर उसमें कटने में 100-200 रुपया दिया है और इसका तेल टाइटी तो नहीं लिया है, इसका मतलब नंबर प्लेट को या मैं मॉडिफाई किया ना। आज देखो कितना बढ़िया लग रहा है इसका, बल्की लग रहा है एकदम, मस्कुलर लग रहा है इसका, और ये गोल्डन दिख रहा है ना, ये कलर खुद रेपिंग करने वाला, हम खुद रेप किया इसको। और फिर इसका 200 रुपये लिया ना साइड साइड करके मतलब पेपर को, तो हम खुद रेपिंग किया इसका। बाद ये ब्लैक वाला ऑनलाइन से ऑर्डर किया था, इसको भी खुद लगाया है। फिर ये जो आप इसका आईना दिख रहा है ना, ये साइड में भी था, लेकिन उसका क्या है कि मेरा भंजा को बाइक चलाने देखे और गिरा लिया ना, फिर टूट गया इसका, बस अभी ये साइड में, बाद में फिर दूसरा लगाएगा। अब इसका लुक दो, फाइनल लुक दो। और बाइक को मैंने नहीं धुलाया है, बहुत गंदा हो गया, धोने से फिर इसका बहुत बढ़िया सा होगा ना, क्योंकि मैंने नहीं चलाया है बाइक को। बहुत बढ़िया बाइक बनाने वाला है मेरा, अभी वॉश कर लेना। अपना नाम अभी बताया थोड़ा सा, मेरा नाम हाँ, ये बहुत अच्छे से बाइक बनाते हैं, अब यहाँ आने से यहाँ से अपना बाइक को बनवा सकते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने अपना बाइक बना लिया, अभी देखते हैं कितना पेट्रोल कितना है, इंटी हो गया ना, हमको पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा और टेस्ट करते हैं कि किस तरह अभी मतलब साउंड आ रहा है ना नहीं आ रहा है, टेस्ट करके देखते हैं। पहले तो बहुत साउंड आ रहा था, अभी चलने में भी चका फ्री लग रहा है क्योंकि चेन वॉश किया ना, चेन वॉश नहीं होने से चेन टाइट होके बैठते। हाँ बढ़िया साउंड नहीं दे रहा, ओ इस तरह अपना बाइक को आप मेंटेनेंस कर सकते हैं, आप पैसा नहीं पिला के। अगर आपको इसका जगह पे अगर आप अपना चेन स्पोकेट को डायरेक्ट चेंज करते हैं, उनसे 2000 से कम नहीं होते। मैंने चेंज नहीं किया, बस मेरा जो आइडिया है ना, आप लोगों को नॉलेज को मैं बता रहा हूँ। और गैस देख सकते हैं मेरा अभी पेट्रोल नहीं है, डायरेक्ट इमती हो के ना, इमती नहीं, 150 बचा है इसमें, तो अभी पेट्रोल डलवाना जाना पड़ेगा। और कल हम सुबह यहाँ से अर्ली मॉर्निंग को बस्ती की तरफ से जाएगा, और नेक्स्ट वीक को हम लोग का कॉलेज शुरू होने जा रहा है। फिर कॉलेज शुरू होने से क्या है कि इधर उधर नहीं जा सकते ना, पढ़ाई में फोकस करना पड़ता है। एजुकेशन जो फर्स आना चाहिए अपना लाइफ में, जो भी अगर करियर का आपको ऑप्शन होता है, होने से भी एजुकेशन को आगे सबसे आगे ले चलो, क्योंकि एजुकेशन आदमी को सुधारता है। बहुत बढ़िया लग रहा है, चैन पूरा फ्री हो गया इसमें, मज़ा लग रहा है चलाने के लिए, क्योंकि अभी पूरा जितना पिकअप लगा सकते हैं ना उतना महसूस होता है, पूरा परफॉर्मेंस इसका इंक्रीज हो गया अभी। पेट्रोल डलवाएगा, उसके बाद फिर घर जाएगा, फिर सुबह को यहाँ से अर्ली मॉर्निंग को होम टाउन जाएगा यहाँ से ना, तो इसलिए अभी पेट्रोल भरवा लेते हैं, क्योंकि सुबह को पेट्रोल पम्प इतना जल्दी नहीं खुलता, अर्ली मॉर्निंग नहीं खुलता। निकालो इसमें ना, थैंक यू। अब घर चलते हैं, फिर यहाँ से अभी घर के लिए रवाना करते हैं बस्ती। और गाइस आज का जो वीडियो देखा है ना, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और आज का वीडियो को मैं यहाँ का टॉपिक को यहाँ में रखता हूँ, और मैं सबको मैं विश करता हूँ कि आप लोग सब अच्छा हो और अच्छा ही रहेगा ना, और अच्छा ही लगा होगा मेरा वीडियो को। तब तक के लिए आप लोग को मैं बाय कहता हूँ, बाय।